low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So, hey guys, Ankit is here. And welcome back to another video. तो देखो भाई, आपको तो पता नहीं, बट पीछे जो गेम प्ले चल रहा है ना, उसको देख के ना मेरे दिल ना बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि कितना इजीली हेडशॉट लग रहे हैं भाई, यूएमपी से इतनी बढ़िया तरीके से हेडशॉट लग रहे हैं, वो भी विदाउट ग्लिच और लैग के, बट ये सब पहले नहीं होता था। अब देखो, तुम लोग सोच रहे हो भाई तेरा हाई एंड डिवाइस होगा इसलिए अच्छा हेडशॉट लग रहे हैं, बट नहीं यार, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। मेरा मोबाइल 2GB रैम का है, उसमें भी इतने सारे बढ़िया हेडशॉट लग रहे हैं, वो कैसे? तो चलो बताता हूं। तो देखो, मुझे ना कुछ सीक्रेट हिडन सेटिंग पता चली है, जिसकी वजह से आपका हेडशॉट बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखो, आज की वीडियो में ना आपको ऐसे टॉप 5 हिडन सेटिंग बताने वाला हूं, सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूं, वो भी मोबाइल्स के अंदर, जो कि आपको हर एक मोबाइल में देखने के लिए मिल जाएगा। हां, ये बात मैं पहले आपसे बोल देता हूं आप लोगों को कि देखो, ये जितने भी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा ना, इनमें से कहीं आपको एक भी सेटिंग के बारे में नहीं पता होगा, एंड ये सारी सेटिंग इतनी यूजफुल है, आपकी गेम को ना 10x फास्टर चलाएगी पहले के हिसाब से, वो भी बिल्कुल स्मूथ एंड विदाउट लैग, बिल्कुल आपको 90 FPS तक गाइस आप खेल सकते हो। मजा आया ना सुन के? तो देखो, आगे कुछ भी बोलने से पहले ना भाई, आप लोग ना बहुत ही ज्यादा बेकार हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गंदे हो यार। मतलब वीडियो तो मैं आपके लिए बनाता हूं, लेकिन आप लोग भाई लाइक नहीं करते। तो देखो, आपने भी लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से लाइक करो। देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा आप लोगों ने, यार क्या करो यार, सब्सक्राइब कर दो ना, कुछ नहीं जाता, 2 सेकंड का काम है, इतने आलसी हो। वैसे मैं आपको ना एक बात बता दू, देखो जब मैंने इस सेटिंग को नहीं लगाया था ना पहले, तो देखो बहुत सारे बंदे ना पहले मुझे नूब बोलते थे, भाई मेरा 2GB रैम मोबाइल है भाई, मुझे को खेलना नहीं आता था, सारे मुझे कस्टम में हरा देते थे, बट भाई आज मैं उनको जाकर ना सबको हराऊंगा, क्योंकि भाई मैंने ऐसे सेटिंग कर लिया ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेडशॉट लग रहे हैं। आप लोग भी बिलीव नहीं करोगे भाई, आप लोगों को बहुत ज्यादा खतरनाक हेडशॉट लगने वाला है, जो भी आप सर्च करते रहते हो ना हेडशॉट कैसे मारे, वो सब भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं वो चीज कर लो, बाकी आप देख लो भाई, आपका तो पूरा गेम मस्त चलने वाला है, आपका गेम भी बहुत अच्छा चलेगा, विदाउट लैग चलेगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, 60-90 FPS तक आप गेमिंग कर सकते हो अपने लो एंड डिवाइस में, आप भी एक प्रो प्लेयर बन सकते हो, लेजेंड प्लेयर बन सकते हो। वो तो मैं हूँ, तुम लोग थोड़ी हो। नहीं नहीं, तुम भी बन सकते हो। नहीं बनोगे, चूतिया बनाया तुमको। आपका ज्यादा टाइम ना खाते हुए वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हिडन सेटिंग की। तो सामने डेवलपर ऑप्शन का तो मोड सुना होगा, ठीक है ना, जो सेटिंग में मिल जाता है आपको डेवलपर ऑप्शन, आपके उसमें इतनी सारी सेटिंग्स है ना, इतनी सारी सेटिंग्स है जिसमें आपको पता भी होगा कौन कौन सी क्या क्या काम है किस चीज की। तो सबसे पहले सेटिंग हमारी डेवलपर ऑप्शन में होने वाली है, तो सबसे पहले सेटिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है, देन गाइस आपको वहां पर नीचे स्क्रॉल करते जाना है, एंड गाइस डेवलपर ऑप्शन तो सबको पता होगा वो कहां पर मिलता है, तो गाइस आप वहां पर गाइस, मतलब बहुत सारे बंदों को पता होगा डेवलपर ऑप्शन के बारे में, तो मतलब ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कहां पर मिलते हैं। तो जैसे गाइस डेवलपर ऑप्शन में गाइस नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, तो गाइस आपको वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा ग्राफिक कार्ड, मतलब ग्राफिक करके गाइस आपको ऑप्शन दिखेगा ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस करके, ठीक है ना, गाइस यहां पर गाइस बहुत सारे ऐप है ना, आप गाइस देखो, जैसे गाइस पीसी में गाइस ग्राफिक कार्ड लगाने से गाइस बहुत ज्यादा अच्छा गेम चलता है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड लगाने से, वैसे ये गाइस ग्राफिक कार्ड काम करता है गाइस ऐप के बारे में, ठीक है ना, फोन में रहता है ये, तो गाइस आपको यहां पर गाइस फ्री फायर मैक्स वाले ऐप को सेलेक्ट कर लेना है, देन गाइस वहां पर गाइस आपको इसका जो है आपका डिफॉल्ट रहेगा, आपको गाइस इसमें सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर कर लेना है। तो अब गाइस बात करते हैं हम लोग सेकंड सेटिंग के बारे में, गाइस ये भी आपको डेवलपर ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना, गाइस आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते जाना है, तो जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो गाइस यहां पर आप देखो एक न्यू सेटिंग देखने के मिलेगी आपको, फोर्स 4x MSAA करके, तो गाइस आपकी ये सेटिंग ऑफ होगा, आपको इसको ऑन कर लेना है। देखो गाइस, मैं आपको इसका काम बता देता हूं, तो जैसे आप नीचे देख सकते हो गाइस, मतलब इसके नीचे भी लिखा हुआ है, देखो गाइस इसका काम होता है कि इस ऐप को ना और ज्यादा मतलब पावर से चलाना, ठीक है ना, मतलब फोर्स और ज्यादा लगाना, जितना आपका गाइस मतलब कोई सा भी आपका फोन है, आपको जो भी प्रोसेसर है गाइस उसको मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीडली चलाना, ठीक है ना, जिससे गाइस आपका फास्ट एकदम फोन चलेगा, FPS आपका बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा फोन में, आप लोग गेम एकदम इजीली बिल्कुल स्मूथ तरीके से खेल सकते हो। गाइस आपको ये सारी सेटिंग अपने फोन में कर लेनी है, तभी गाइस आपको फर्क देखने के पड़ेगा। तो गाइस ये तो बात होगी मैंने डेवलपर ऑप्शन की 2 सेटिंग, ठीक है ना, अभी तो गाइस 3 सेटिंग जो है ना बाकी, इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग है आप लोगों के लिए, अगर आप उसे एक बार कर लेते हो ना गाइस, आपका रियली गाइस बहुत ही ज्यादा तगड़ा हेडशॉट लगेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगली सेटिंग पर। तो नेक्स्ट सेटिंग आपको करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में चले जाना सेटिंग में, देन गाइस आपको वहां पर एक टच एंड होल्ड डिले का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका गाइस पहले से गाइस मीडियम सेट होगा, आपको इसको कोई शॉर्ट्स पे क्लिक कर लेना है। तो चलो अब इस सेटिंग के बारे में जान लेते हैं, इस सेटिंग में गाइस क्या है, देखो टच एंड होल्ड डिले का मतलब आपको पता चला होगा, टच करने पे कितना मतलब डिले होगा आपका, ठीक है ना, मतलब किसी चीज को टच करोगे। अब देखो गाइस गेम में आपका टचेस तो सारा रिस्पॉन्स करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अगर आपने मीडियम कर रखा है मतलब बहुत थोड़ा देर में आपको मतलब टच रिस्पॉन्स मिलेगा, बट अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा टच रिस्पॉन्स, जिससे गाइस आप फास्टली गाइस मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो एक ही साथ गेम में, जैसे फास्ट ग्लू वो लगाना, हेडशॉट मारना, मूवमेंट करना, मतलब बहुत सारी एक ही चीज कर सकते हो। गाइस आपको गेम में जितने भी सारे बटन है वो बहुत ज्यादा फास्टली आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो देखो आगे कुछ भी बोलने से पहले ना भाई, देखो अब तक आपने लाइक नहीं किया ना यार, प्लीज लाइक कर दो यार, मतलब देख सकते हो भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एंड गाइस आपका लाइक करने में ना कुछ नहीं जाता, बस आपको एक टच करना होता है, तो भाई यार अगर आप एक लाइक करते हो ना उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बात करते हैं अगली अननोन सेटिंग के बारे में, इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, देखो गाइस हम ना
गिल्ड टेस्ट अपना करने के वाले, मतलब हम मैं अपना गिल्ड पूरा ओपन करने वाले और दर्जन 47 का ऑफिशियल गिल्ड आप सभी के लोगों के लिए, मतलब जिनमें हम गाइस आपके गेम प्ले को सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको भी हमारे गिल्ड में आना है तो गाइस हम आपको लाइव गिल्ड में लेंगे, मतलब हम लाइव करेंगे, देन गाइस उसमें हम आपको लेंगे। तो कब और कितने बजे लाइव करना चाहिए वो आप हमें कमेंट में बता देना। एंड गाइस इस चैनल पे लाइव नहीं होगा, मतलब दूसरे चैनल पे होगा, मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अगली सिटी ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है, वही पिछले वाले सेटिंग में आ जाना है। देन गाइस आपको नीचे गाइस एक और ऑप्शन दिखेगा लार्ज माउस पॉइंटर करके, आपको इसको गाइस कर लेना है ऑन। तो इस सेटिंग के बारे में ना कुछ बंदों को पता होगा, ठीक है ना। इसमें गाइस क्या होता है, मतलब आपके फोन में ना पिक्सल से बना होता है, आपकी स्क्रीन जो पिक्सल से है, अब उसको गाइस फास्टली वर्क करने के लिए ना अगर आप लार्ज माउस पॉइंटर को यूज करोगे इस ऑप्शन को, आप गाइस हल्का सा भी टच करोगे ना वो थोड़ी दूर एरिया तक इस उसका रिस्पॉन्स करेगा। मतलब गाइस अगर आपसे कोई सा भी बटन फ्री फायर में मतलब बगल में आपका टच नहीं होता, ठीक है ना, बट गाइस इसको ऑन करने वाला गाइस आप थोड़ा सा साइड में भी करोगे ना तो वो पहले से टच हो जाएगा, जिससे गाइस आपका लार्ज माउस पॉइंटर, मतलब इसी का नाम है लार्ज माउस पॉइंटर। इस सेटिंग को गाइस फास्ट ग्लू होल लगाने में भी यूज कर सकते हो, जिससे गाइस फास्ट ग्लू होल आपका जल्दी लगेगा, आप चारों बटन यूज कर लो, ठीक है ना, उसमें लार्ज माउस पॉइंटर हो जाएगा। तो सबसे लास्ट एंड मेन सेटिंग जो कि आपके फोन को भाई मतलब एकदम रियली गाइस मतलब मैं बोल रहा हूं ना इतनी फास्टली स्पीड कर सकती है। अब देखो ये ना ऑप्शन किसी किसी फोन में होता है सपोर्टेबल, ठीक है ना, इसका नाम है रिफ्रेश रेट। इसका मतलब गाइस आपका फोन कितनी जल्दी रिफ्रेश रेट कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी चीजें कैसे गाइस बहुत ज्यादा जल्दी फास्टर चीजें कर रहा है, उसका मतलब होता है रिफ्रेश रेट। अभी किसी के फोन में 60 हर्ट्ज होता है, किसी के फोन में 90 हर्ट्ज होता है, किसी के फोन में 120 हर्ट्ज होता है, जैसा कि आप मेरे दूसरे मोबाइल में देख सकते हो, यहां पर 120 हर्ट्ज का ऑप्शन है। ज्यादातर फ्लेक्सी फोन में मतलब 120 हर्ट्ज मिलता है, तो मतलब फ्लेक्सी फोन में इसमें 120 हर्ट्ज है, बट किसी किसी फोन में गाइस आपके फोन में गाइस 60 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज भी हो सकता है। तो एक बार जाके गाइस स्क्रीन मतलब डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाके रिफ्रेश रेट में चेक कर लेना अपने फोन में। गाइस ये तो फाइनली गाइस कुछ ऐसे फास्ट सेटिंग, हिडन सेटिंग जो कि आपको नहीं पता होगा, गाइस मैंने हर एक सेटिंग के बारे में गाइस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जितना कोई भी नहीं बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज़ मैं चैनल पे गाइस ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा आती रहती है। अगर आपको 47 का ऑफिशियल गिल्ड ज्वाइन करना है तो गाइस उसके लिए हम लाइव गिल्ड करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं कोई सा भी अपडेट दूं तो आपके साथ सबसे पहले जाए। सो माय नेम इज अंकित, वाचिंग डिजन 47, मिलते हैं कौन वीडियो साथ, तब तक के लिए।